जय हिंद दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी त्रिकोणमिति चल रहा है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने कम्प्लीट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 96 तक। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग डे वन से नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, इस सीरीज़ को फॉलो करिए ताकि आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट अच्छा हो पाए, ट्रिक्स अच्छे हो पाएँ और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे बेहतरीन अप्रोच आपको बताने वाले हैं तो वो मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, जुड़े रहिएगा। देखिए, पहला सवाल आज के क्लास का यहाँ पर दिया गया है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, डिवाइड में है आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये चीज़ है। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया, इंटू यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, तो ये हो गया साइन थीटा, इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, ये आपका टेन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। अच्छा, आ जाते हैं डिवाइड में, देखते हैं डिवाइड में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो वन होती है। अगर हम ये देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होगा, तो इस वन को इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, सभी को समझ में आ गई ना। तो इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे हम लोग रख देंगे यहाँ पे यह माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया बात। अब देखिए, एक साइन थीटा से एगो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा एक ही, ठीक है ना। तो अब ऊपर देखिए, ऊपर आपका बचा है कॉस थीटा, ऊपर आपका बचा है कॉस थीटा, इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, है ना, तो डिवाइड बाई कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर है, टेन थीटा की वैल्यू कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमने रख दी। नीचे यहाँ पर एगो साइन थीटा और बचा हुआ था, वो भी माइनस के साथ, माइनस के साथ एक साइन थीटा भी बचा हुआ था। अब बताइए क्या क्या कटेंगे, सब तो कट गए, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या आपका वन बचा, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, तो माइनस वन इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि कर भी लेंगे इस सवाल को, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है आपके पास सबसे पहले, और यहाँ पे कॉस एक्स डिवाइड बाई टेन 90 माइनस एक्स है, तो टेन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे कॉट एक्स हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू कॉट एक्स हो जाएगी, तो ये है आपका कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को कि पहले तो आपको साइन एक्स दिया गया है, साइन एक्स प्लस उसके बाद क्या है, कॉस एक्स है, ऊपर है आपका कॉस एक्स, डिवाइड में क्या होगा इसको देखिए, डिवाइड में आपका हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स होता है कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, कॉट मतलब कॉस बाई साइन होता है, तो यहाँ पे कॉट एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट एक्स के जगह पे लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और डिवाइड बाई साइन एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में साइन एक्स कर सकते हैं। ठीक है, कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म हो गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स बचा, सीधे सीधे इसका आंसर आ गया कितना, टू साइन एक्स, भाई साइन एक्स और साइन एक्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा, टू साइन एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। समझ में आया ना, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, बिना लाइक किए हो कहीं नहीं जाना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 पे। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सवाल है ये। इसमें आपको बोला गया साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए का मान क्या होगा। एक तरीका है तो दोस्तों यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, लेकिन वो फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लंबा फार्मूला होता है वो, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, आप सभी लोग जानते हैं ना, क्या कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है,
कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये आपका साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब जहाँ पे साइन थीटा है उसके जगह पे हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो ये जो 45 प्लस ए है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, थीटा के बराबर है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब इसको हम लोग कॉस के टर्म में चेंज कर रहे हैं, इसके कंप्लीमेंट्री के टर्म में चेंज कर रहे हैं। तो साइन का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, और साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस, अब थीटा की बात करते हैं तो थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा है आपका 45 प्लस ए, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, इक्वल टू आपके पास, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, तो माइनस में कितना है, माइनस में है आपका कॉस, कॉस 45 माइनस ए, 45 माइनस ए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, देखिए इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 90 माइनस 45, तो ये 45 आ गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का ए हो गया, माइनस यहाँ पे कॉस 45 माइनस ए, अब तो सेम चीज़ें आ गई और माइनस भी हो रही हैं, है ना, कॉस 45 माइनस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए, तो एक प्लस में एक माइनस में है, यानी कि क्या आ गया आपका, सीधे सीधे यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, डिग्री में नहीं आएगा, डिग्री में ये नहीं आ गया है ना, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 0 आएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे जो कि है प्रश्न नंबर 100वां, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है, क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, ये सवाल है, इसको आपको लगा के बताना है इसका आंसर क्या आएगा, एक बार आप लोग इस सवाल को लगाइए, ठीक है, वीडियो को रोकिए और इस सवाल को कोशिश करिए कि भाई कैसे लगाएंगे, सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहाँ पर तरीका देखिएगा, तरीका आपका यहाँ पर लगने वाला है क्वाड्रेंट वाला, मतलब आपको पता करना है कि भैया किस क्वाड्रेंट में ये होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, है ना, ये अगर आप पता लगा लिए तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर 270 माइनस 5 है, ठीक है, कितना है, 270 माइनस 5 है, मतलब 270 से थोड़ा सा कम होगा। अब 270 से कम कहाँ पर आता है, तो 270 से कम आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि 270 माइनस 5 किस में आएगा, 270 माइनस 5 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, और 180 माइनस 5 किस में आएगा, 180 से थोड़ा सा कम, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो पहुंच जाएगा, है ना। ये क्वाड्रेंट वाला सारा तरीका तौर तरीका हम आपको समझा चुके हैं, वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, मतलब 180 माइनस 5 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, क्लियर है बात। अब आइए यहाँ पे, यहाँ पे है आपका कॉस 270 माइनस 5 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, है ना, तो कॉस 270 माइनस 5 यानी किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, और थर्ड में जो कॉस होता है वो आपका नेगेटिव होता है, कॉस किस में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव होता है, तो पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आपका 270 या 90 है, 270 या 90 होगा, तो जो भी यहाँ पे ये कॉस साइन जो भी होगा ये आपका चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, इसके उसमें, कॉस का होता है साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है, कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा, ऐसे ही साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, सेक का कॉसेक में होगा, कॉसेक का सेक में चेंज होगा, टेन का कॉट में होगा, कॉट में चेंज, कॉट का टेन में हो जाएगा, ये तभी चेंज होगा जब आपका यहाँ पे 90 प्लस माइनस थीटा होगा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा होगा, 0 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा या फिर 180 प्लस माइनस थीटा, इन पे नहीं होता है चेंज, ठीक है। तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया साइन, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब फाई है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए अब साइन है 180 माइनस फाई है, तो 180 माइनस फाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, साइन, अब 180 भी है तो ये साइन चेंज भी नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और ये फाई हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर देखिए साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, और स्क्वायर है तो साइन 90 की वैल्यू एक होती है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और इनटू यहाँ पर, अब इसको देखें
साइन स्क्वायर, और 270 है यहाँ पर देखिए, ये फिर से किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये तो नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस, और 270 है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये कॉस फाइव हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब बस यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर फाइव का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, प्लस है ना, क्योंकि ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर होगा तो यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर फाइव, माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये साइन स्क्वायर फाइव, माइनस माइनस, अच्छा ये वाला माइनस तो रह गई अभी, है ना, ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला तो कट गया, मतलब यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बचा आपके पास, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बच कितना जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। अब आप सोच रहे होंगे, फाइव है, ठीक है, थीटा नहीं है यहाँ पर, ये आपका फाइव है, जो साइन दिया है उसी साइन को लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, है ना, तो ये ऐसा कैसे हो गया, आपको लगेगा कि शायद ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाइव आया है, लेकिन भैया यहाँ पे माइनस आया है आपका, तो ये पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा आंसर, ठीक है, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर समझिएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये जो है, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर फाइव जो है वहाँ से, या फिर साइन स्क्वायर माइनस वन जो होगा, साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन, वो माइनस कॉस स्क्वायर फाइव के बराबर होगा, तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, वो होगी साइन स्क्वायर फाइव और माइनस वन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा, सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, बस इस टेन को जो शुरू में दिख रहा है इसको कॉट में चेंज कर दीजिए। देखिए टेन को अगर कॉट में चेंज करेंगे, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो गए, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, अच्छा अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, एंगल का भी, एंगल यहाँ पर है 60 माइनस थीटा, तो जब हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस जो एंगल दिया गया है, कितना एंगल दिया गया है, 60 माइनस थीटा दिया गया है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। फिर आपके पास माइनस है कॉट कॉट 30 प्लस थीटा, कितना है 30 प्लस यहाँ पर थीटा, क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है, 90 माइनस 60 ये हो जाएगा 30 डिग्री, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आपका थीटा डिग्री, ठीक है, और माइनस ये तो आपका है ही उतना ही, है ना, कॉट 30 प्लस थीटा, मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम टू सेम, मतलब ये सीधे सीधे आपका आ गया जीरो आंसर, जीरो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शुरू शुरू में ही ऐसा ही सवाल करवाए थे हम आपको, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पर। अब देखिए इस सवाल को, इसमें क्या दिया, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 से थोड़ा सा कम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा साइन, और 180 माइनस थीटा मतलब सीधे सीधे फाई आ जाएगा, सॉरी थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा थीटा, तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा हो गया। फिर इनटू में क्या दिया है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है ना। फिर आपका माइनस है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस तो ये इसमें ही दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था, और इसका माइनस लगेगा, और कॉस 180 है ना, तो कॉस नहीं चेंज होगा, मतलब कॉस ही रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा, ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और इनटू में आपके पास क्या है यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते होंगे कि कितना होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है, कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब तो आप इसकी वैल्यू जानते हैं ना, कितनी होती है, वन होती है, तो वन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। ये भी सेम वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी किया है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको एक बार लगा सकते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा,
ध्यान से देखते जाइएगा। इनटू में आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा, फिर लगा है प्लस, शुरू में आपका कॉस थीटा दिया है तो ये हो गया कॉस थीटा, और इनटू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये तो सीधे सीधे वही बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी इज़ द राइट आंसर, क्लियर हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप चाहें तो रोक के वीडियो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। है इसमें फार्मूला का प्रयोग, फार्मूला लगेगा, है ना, ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो फार्मूला लगेगा जब, तो फार्मूला लगा देते हैं। साइन ए माइनस बी का पहले फार्मूला लगाइए, ए के जगह पे क्या है 30 डिग्री, बी के जगह पर ए है आपका, है ना। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए यानी कि साइन 30, कॉस बी यानी कि ए, है ना, बी के जगह पर तो ए है यहाँ पर, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए, ए का मतलब 30 डिग्री, है ना, इनटू साइन बी, साइन बी, बी यानी कि ए, ठीक है। तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर दिया है प्लस, अब आगे सुनिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है सीधे सीधे साइन 30, मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, है ना, कॉस बी, बी मतलब, बी मतलब यहाँ पर ए, है ना, क्योंकि बी के जगह पर ए है, तो ये हो जाएगा ए। फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस ए, ए यानी 30 डिग्री, और इनटू साइन बी, बी यानी ए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर कट जाएंगे, जैसे देखिए ये वाला प्लस में है जितना, उतना ही ये वाला माइनस में है। अब यहाँ पे साइन 30 कॉस ए प्लस साइन 30 कॉस ए, तो ये दो बार हो गया ना, दो बार जुड़ गया, मतलब कि कितना हो जाएगा 2 साइन 30 कॉस ए, इतना हो जाएगा। अब इसमें साइन 30 की वैल्यू रखिए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 हो जाता है, तो 2 से 2 तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, सिर्फ बचा आपका क्या, ए बचा, है ना, 2 से 2 ख़त्म हो गया, तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ में आया होगा, आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखें, पिछले सवाल में हमारा साइन वाला फार्मूला लगा था, इसमें कॉस वाला फार्मूला लगेगा, है ना, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं कॉस, कॉस ए प्लस बी की फार्मूला, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है दोस्तों, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन ए साइन बी, ठीक है, ये हो जाता है साइन ए साइन बी, इतना हो गया। ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। अच्छा, अगर कॉस ए माइनस बी होगा तो क्या होगा, तो अगर आपके पास कॉस ए माइनस बी है, ए माइनस बी, तो ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस, यानी कि साइन ए और इंटू साइन बी, इतना हो जाएगा आपका, क्लियर है ना। तो इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए, ए के जगह पर 45 डिग्री है, बी के जगह पे एक्स है, तो कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये आपका हो जाएगा कॉस ए यानी कि 45 इंटू कॉस बी, कॉस बी यानी कि कॉस एक्स, फिर माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए, ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 45, ठीक है, 45, और साइन बी, साइन बी, बी यानी कि एक्स, तो पहले को हमने खोल दिया, फिर प्लस, प्लस यहाँ पर अगले वाले को खोलिए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस 45, ये ए हो गया, और कॉस बी यानी कि कॉस एक्स, फिर प्लस लग जाएगा क्योंकि अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस है आपका, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए, ए का मतलब 45, और साइन यहाँ पर बी यानी कि एक्स हो जाएगा। कुछ चीज़ें कट रही हैं, ये वाला प्लस में जितना है, ये वाला उतना ही माइनस में, कट गया, है ना, यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हो जुड़ रही हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 45 कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, तो ये हो गया 1/√2 और इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर आ कितना गया भाई, 2/√2 है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, है ना, √2 का दो बार मल्टीप्लाई आपको 2 दे देता है,
और डिवाइड में तो आपके पास रूट टू है ये है, तो एक बार तो ये ख़त्म हो गया, मतलब आपके पास बचा कितना, सिर्फ रूट टू कॉस एक्स, और रूट टू कॉस एक्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बिना किसी दिक्कत के, आराम से आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट ये सवाल एकदम एक सेकंड के अंदर बन जाएगा, कैसे दिखेगा। आप सभी लोग को पता होगा कि अगर अगर tan a, ठीक है, अगर tan a बराबर है cot b के, किसके बराबर, cot b के दोस्तों, ठीक है, अगर tan a बराबर है cot b के, तो यहाँ पर a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, a प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी कि जब भी आपका cot a cot b सॉरी tan a इक्वल टू होगा cot b के, तो वहाँ पे a प्लस बी आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब ये सवाल आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर है tan 2a, तो मतलब ये पहला एंगल हुआ, इक्वल टू में cot a माइनस 18 है, तो मतलब इधर वाला 2a और प्लस उधर वाला जो एंगल है वो है आपका a माइनस 18, ये दोनों एंगल मिलकर कितने हो जाएंगे, ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, आपको 2a एक न्यून कोण बोला है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, a का मान बताना है, बस निकाल लीजिए 2a प्लस a, ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल टू 18, उधर जाके जुड़ेगा तो ये हो गया 108, है ना। तो यहाँ से a की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी आपका 3 × 9, है ना, 3 × 9 बचा 1, 3 × 6 = 18, मतलब कि 36 डिग्री। तो 36 डिग्री ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, याद हैं तरीके, तो आप आसानी से ऐसे सवालों को चुटकियों में बना सकते हैं, उड़ा सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, 107। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, और ये सवाल है बहुत बेहतरीन, मतलब कि अगर आप बेसिक से लगाने लग गए ना तो बहुत ज़्यादा समय खा जाएगा आपका ये। तो इसके लिए क्या करना है आपको, वैल्यू पुटिंग मेथड, मतलब ए की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ए की एक ऐसी वैल्यू लीजिए जहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, तो ए की वैल्यू हम लोग एंगल, अपने एंगल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू हम लोग 45 डिग्री ले कर चलेंगे। ठीक है यहाँ तक, अब आ जाइए इस पे, cot a मतलब 45, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। फिर है आपका प्लस cos a, यानी कि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, इतना ले लिए, इक्वल टू में आपका कितना है, m के बराबर है, सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, √2 + 1 ऊपर हो गया, डिवाइड में √2 हो जाएगा, तो यहाँ से m की जो वैल्यू है कितनी आ गई, √2 + 1 और डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, आइए एन की वैल्यू निकालते हैं, तो cot a माइनस cos a है, cot a माइनस cos a है, तो मतलब cot 45 1 माइनस cos 45 1/√2 आ जाएगा, इक्वल टू इधर n के बराबर दिया है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर √2 - 1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, कौन सा सत्य होगा, है ना, कौन सा यहाँ पर सत्य होगा। तो देखिएगा, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में m और n की वैल्यू रखेंगे, हम लोग देखते हैं कि सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। सबसे पहले दोस्तों हमको सभी जगह m स्क्वायर दिख रहा है, n स्क्वायर दिख रहा है, तो m स्क्वायर, n स्क्वायर और mn की वैल्यू निकाल लेते हैं। m स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, तो m स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा मतलब 1 + 1/√2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 1 + 1/√2 का स्क्वायर करना है। आप डायरेक्टली ऐसे करिए ना, यहाँ पर m स्क्वायर n स्क्वायर मत निकालिए, आप निकालिए कुछ ऐसे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 1 + 1/√2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, है ना, माइनस n की वैल्यू कितनी है, 1 - 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। अब जब भी आपको ऐसे दे, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई a है आपका 1 और b है आपका 1/√2। ठीक है, तो a प्लस
बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है क्या क्या आएगी, यहाँ पर 4ab के बराबर आएगा। किसके बराबर? 4ab के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 और a, a का मतलब आपका 1 और इंटू b, b का मतलब 1/√2। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू है सीधे सीधे यहाँ पर कितनी आ गई, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्या बना सकते हैं, तो हम लोग इसको बना सकते हैं यहाँ पे 2√2 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ऊपर आंसर आ जाएगा कितना 2√2। ठीक है, इस चार को हमने क्या किया 2 × 2 लिख दिया है ना, और एक दो को बदल दिया √2 × √2 में, तो ये आपका आ गया, कट गया 1√2। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अब आप लगे हाथों यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो अब चूंकि है वही चीज़ है ना, यहाँ पे बस आपका प्लस लग जाएगा, कहाँ पे, इस वाले जगह पे प्लस लग जाएगा और कुछ नहीं, इस वाले जगह पे। ठीक है, तो अब प्लस के लिए क्या होता है, प्लस के लिए होता है दोस्तों यहाँ पर 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2 × 2, तो सीधे सीधे आंसर आ गया 3। अब आप यहाँ पर ऑप्शन में रखिए। ठीक है, वैसे एम स्क्वायर सॉरी एम इंटू एन निकाल लेते हैं पहले, है ना, एम इंटू एन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एम इंटू एन कितना हो जाएगा बताइए, तो एम की वैल्यू कितनी है 1 + 1/√2, ध्यान से देखते जाइएगा, और एन की वैल्यू कितनी है 1 − 1/√2 है। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये आ गया आपका 1/2 के बराबर। m इंटू एन की वैल्यू पहले ऑप्शन में रखिए, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सॉरी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2√2, तो पहले ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 2√2। ठीक है, ये क्या इसके इक्वल हो पाएगा 4 × mn, mn की वैल्यू 1/2 है, तो क्या ये दोनों साइड बराबर हुआ, इधर तो 2 आ गया, तो दोनों साइड बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन को चेक करिए, बी ऑप्शन को, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ए ऑप्शन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये आपका 2√2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, फिलहाल ए ऑप्शन नहीं ही होगा क्योंकि इधर 3 इधर 2 आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन को चेक करिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू है 2√2, तो यह हो गया 2√2 और इसका लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इधर हो जाएगा 16 × mn, mn की वैल्यू 1/2 है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 ये हो गया 8 और इक्वल टू इधर भी 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर गया, तो बी इज़ द राइट आंसर, आगे चेक करने की ज़रूरत हमको नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिए, आसान सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं वैसे आपको, है ना, तो क्या पूछा है आपको, आपको पूछा गया है यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू, अब आपको वाई कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक्स लिखा गया है ना, एक्स इक्वल टू बी टेन थीटा, ये आपका एक्स नहीं होगा, यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वाई होगा, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर आपका वाई होगा, इसको सुधार लीजिएगा, प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। चलिए, तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, वही चीज़, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, a अपॉन x है, ठीक है, तो a अपॉन x यहाँ से निकालिए, तो कितना हो जाएगा a अपॉन x, है ना, देखिएगा a अपॉन x कितना हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, है ना, 1/sin थीटा, तो यहाँ से 1/sin थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक यहाँ पर थीटा, कॉसेक थीटा इतना हो गया। अच्छा, इनका स्क्वायर भी बोला है भाई, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ना, तो स्क्वायर भी कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बी अपॉन वाई कितना होगा बताइए, तो पहले बी अपॉन वाई निकालते हैं, ठीक है, ये बताइए, b को इधर रहने दे दीजिए, y को उधर ले जाएंगे, तो डिवाइड हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया 1/tan थीटा,
वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा कितना होता है, ये कॉट थीटा के बराबर होता है। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सा आइडेंटिटी बन गया अब आपका, है ना। तो अब आपको पूछा क्या था, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यही तो पूछा गया था। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की सीधी वैल्यू आ जाएगी कितनी, वन के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, लाइक कर दीजिए। और आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।